दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्नोबाज को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाओ वीडियोस सबसे पहले। So, मेरे शहर का तापमान है कुछ गिरा सा और मेरा तापमान है कुछ बड़ा सा, फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज वॉल्यूम 5 लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज अयान एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन चैनल टेक्नोबाज। तो आज का क्यू एंड ए चैलेंज होने वाला है आसान मेरे लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पिछले हफ्ते कहा था कि मैं क्वेश्चंस पिक करूंगा ट्विटर से और मैंने इस हफ्ते बिल्कुल ऐसा ही किया है। मैंने सारे क्वेश्चंस ट्विटर से पिक किए हैं, एक भी क्वेश्चन यूट्यूब से नहीं लिया है मैंने। और हाँ, अगर आपने अब तक मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो @technopaaz पे जाकर ट्विटर पे फॉलो करें और आपका कोई भी क्वेश्चन या डेयर हो तो #askayan करके मुझसे पूछें। मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चंस को जरूर वहां से पिक करूंगा और आपका आंसर दूंगा। तो चलिए मैं अब लेता हूं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भाई प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग सीरीज बनाओ। तो अगर आपको सच में वीडियो एडिटिंग की सीरीज चाहिए जो कि है प्रीमियर प्रो पे, तो मैं जरूर से बना दूंगा और शायद मैं इसे ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपलोड भी कर दूं प्रीमियर प्रो पे कलर ग्रेडिंग की सीरीज। क्योंकि देखो वीडियो तो आप रिकॉर्ड कर लोगे, उसे एडिटिंग करना है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कलर ग्रेडिंग। और मैं जैसे कलर ग्रेडिंग करता हूं आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। प्रीमियर प्रो के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है कलर ग्रेडिंग के, बस उसे चलाना आना चाहिए। तो आपको वेडनेसडे को ये वीडियो जरूर मिल जाएगी और हां आप इसे सीख भी पाएंगे कि किस तरह से कलर ग्रेडिंग होती है प्रीमियर प्रो पे या वीडियो एडिट होती है। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। So, next question पूछा है निकिता चौधरी ने और ये पूछती है कि if I uninstall FB browser, so how to connect live program on FB? तो अगर ये FB browser uninstall करती हैं तो live program में कैसे जुड़ सकती हैं? तो सबसे बड़ी बात कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि आपका फोन स्लो क्यों है। तो आपसे मैंने कहा था कि फेसबुक मैसेंजर और जो कि मैसेंजर है और फेसबुक एप्लीकेशन और गूगल क्रोम, आप ये तीनों अनइंस्टॉल कर दें क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा रैम कंज्यूमिंग है और आपको मोबाइल फोन को बहुत ही स्लो कर देता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हुआ है कि आप फेसबुक पे लाइव कैसे जा सकते हैं, फेसबुक लाइट एप्लीकेशन से या मैसेंजर से। तो यहाँ पर आपको कुछ सैक्रिफाइस देना होगा क्योंकि अगर आपको लाइव जाना है तो आप कंप्यूटर का यूज करें और अगर आपको लाइव डेली जाना होता है तो आप फेसबुक ऐप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने नए मोबाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो फेसबुक पे या फिर मैसेंजर पे जो डेवलपर्स हैं वो डेली डेली नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं, उसे और डेवलप करते रहते हैं जो नए मोबाइल फोन आ रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आपका मोबाइल फोन स्लो हो जाता है। तो अगर आपको मोबाइल फोन तेज रखना है तो इसे अनइंस्टॉल करें, थोड़ा सैक्रिफाई करें, और अगर नहीं तो फिर आप इसे डाउनलोड करें, एक नए मोबाइल की तरफ अपडेट करें अपने आप को। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आशुतोष ने और ये पूछते हैं कि व्हेन विल व्हाट्सएप कम इन जियो फोन, प्लीज टेल मी। तो व्हाट्सएप के बारे में ये पूछ रहे हैं कि जियो फोन के अंदर व्हाट्सएप कैसे चलेगा। तो अभी तक व्हाट्सएप चलने की कोई उम्मीद नहीं है जियो फोन में। और हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो व्हाट्सएप वेब के जरिए आप जियो फोन में व्हाट्सएप चला सकते हैं, जिसमें आपको QR कोड स्कैन करना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप का। और ये तो कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस है, तो इसमें तो व्हाट्सएप चलाना मुश्किल है जियो फोन में, मगर भारत वन जो फोन है उसके अंदर व्हाट्सएप इनेबल आ चुका है। हो सकता है जियो फोन में भी कोई अपडेट आए और व्हाट्सएप आपको आ जाए या फिर प्री इंस्टॉल नेक्स्ट अपडेट में आए व्हाट्सएप के अंदर, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अभिषेक ने और ये पूछते हैं कि हाउ डू यू लर्न ऑल दी हैकिंग, हु इज योर गुरु। सो मेरा कोई गुरु नहीं है और मैंने कोई एकदम जबरदस्त हैकिंग नहीं सीखी है। हाँ, मेरे पास कुछ किताबें हैं जो कि मैं पढ़ता रहता हूँ और मैंने उसे अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था उस किताबों को की पिक क्लिक करके। तो अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो किया है तो आप जानते होंगे उस किताबों के नाम को भी, और अगर आपने नहीं फॉलो किया तो ये गलत किया है, जाके फॉलो करें वहां पर। और मैं हैकिंग कोई इतना मैं मास्टर नहीं हूँ इसमें, थोड़ा सा पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ इसके ऊपर क्योंकि मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है कि किस तरह से हैकिंग होती है, किस तरह से एथिकल हैकिंग होती है, कैसे उससे बचे। तो बस इसीलिए मुझे हैकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ और ये किताबें से मैं सीखता रहता हूँ। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन पूछा है महीपाल ने और ये पूछते हैं कि ब्रो वेयर डिड यू लिव। तो एक्चुअली मैं अपने घर में रहता हूँ महीपाल, आप कहाँ रहते हो ये बताओ मुझे। और फिर इनका और भी लंबा क्वेश्चन है इनका, आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम लॉन्ग टाइम, थैंक यू महीपाल, अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं लॉन्ग टाइम से तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। और फिर सो आई हैव एन चैलेंज फॉर यू, ओके गिव मी, दैट इज मेक अ ब्लॉग ऑन ईटिंग ग्रीन चिली, डू इट ब्रो। या ऑफ कोर्स, मेरा जो है ग्रीन चिली बहुत ही फेवरेट है, मैं हर जगह ग्रीन चिली खाता हूँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ब्लॉग तो मैं बना ही रहा हूँ उसके अंदर आपको मैं ग्रीन चिली भी खा के दिखा दूंगा। सो आप रेडी रहे मेरे ब्लॉग को देखने के लिए और उसे शेयर करना ना भूलेंगे। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन पूछा है सलमान ने और ये पूछते हैं भाई क्या आप नशा करते हो। भाई तू ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है भाई, नशा जी हाँ करता हूँ नशा, मुझे नशा है कैमरे का, मुझे नशा है मिस माइक का, मुझे नशा है हर वो चीज का जिसमें मैं यूट्यूब पे डालू वीडियो। ये कौन बेल बजा, इतने ठंड में भी लोग इतना तेज गाड़ी चलाते हैं,
सो मुझे नशा है हर वो चीज का जिससे मुझे खुशी मिले, जिससे मुझे लोगों की हेल्प करने में मजा आता है, वही मेरा नशा है। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे राजा पूछते हैं, एक्चुअली राजा जुल्फिकार मैं राजा हिंदुस्तानी बुलाता हूँ, ज्यादा अच्छा लगता है राजा हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे ये पूछते हैं विच गेम्स यू लाइक, बाय द वे योर वीडियोस आर ऑसम। थैंक यू राजा, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज उसे शेयर भी करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो आपके शेयर से ज्यादा कुछ नहीं होगा, मेरा बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि लोग तक मैं पहुंचूंगा और लोगों की हेल्प कर पाऊंगा। तो मुझे जो गेम है वो ज्यादा पसंद है कॉल ऑफ ड्यूटी, और अभी जो है GTA 5 मुझे ज्यादा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उसमें जो मिशन पास होने लगा है। सो लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आज का क्यू एंड ए चैलेंज सीजन 5 हुआ खत्म, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसमें काफी कम क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए, एक भी क्वेश्चन मैंने छांटा नहीं। और हां, अगर आपको भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो ट्विटर पे जाके @technobaaz पे मुझे फॉलो करें, और वहां पे #askayan करके मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, और या फिर कोई डेयर दे सकते हैं, मैं आपके डेयर करूंगा या फिर आपके पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज अयान साइन आउट।